बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं आप सबकी दुआओं से। और अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे, आबाद रखे और हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन। तो यहाँ भी है सैटरडे वाले दिन, और सैटरडे वाले दिन मेरे हस्बैंड को होती है छुट्टी, तो हमने कहा क्यों ना आज फिर से आउटिंग की जाए। थोड़ी सी आउटिंग क्या, थोड़ी सी हमें शॉपिंग करनी थी और बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना था, तो हमने कहा चलो आज चलते हैं किंग प्लाज़ा। किंग प्लाज़ा बाद में चलेंगे, पहले आप आ जाएँ। कि आज हमें घर में पहले जाने से पहले कौन कौन से काम कर रही थी, तो चलें आ जाएँ मेरे किचन में। तो यहाँ पे है दोपहर का टाइम, आई थिंक 2 बजे थे या 3 बजे थे, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी से ये वाला काम कंप्लीट कर लेती हूँ। कि ये मेरे हस्बैंड जो फ्रेश फ्रेश सी छलियाँ, आई थिंक आप लोग बूटा कहते हैं, हम लोग इसको छलियाँ बोलते हैं, छलियाँ बॉयल कर लूँ, क्योंकि ये मास्क को और हमारी सारी फैमिली को बहुत पसंद है। फ्रेश फ्रेश आई हैं तो फ्रेश ही इनको बॉयल कर लूँ, इसके लिए कि कितनी ताज़ा और फ्रेश हैं, इससे पहले कि इनका कलर ख़राब हो जाए और जायका भी ना इसका ख़राब हो जाए, तो बॉयल कर लेती हूँ और बच्चे शौक से खा लेंगे। साथ ही मैंने बच्चों के लिए कुछ स्नैक भी रेडी कर दिए थे, क्योंकि बाहर अभी थोड़ी देर में जाना था, तो मैंने कहा इनका पेट फुल होगा तो थोड़ा इन्जॉय कर लेंगे और कम मुझे तंग करेंगे। तो इनके लिए मैंने चिकन नगेट बना लिए थे थोड़े से, और साथ में मोज़रेला स्टिक थी और साथ में फ्रेंच फ्राई थे। तो मैंने कहा थोड़ा बहुत खा लो, अभी हम थोड़ी देर में जा रहे हैं बाहर। बाहर जाने से पहले ये मैंने कहा बर्तन अच्छे से वाश कर लूँ, क्योंकि इससे पहले मैं नाश्ते के बर्तन जो है वाश कर चुकी थी। और ये हमारे दोपहर के खाने के बर्तन थे, और आपको पता है आजकल बच्चे घर हैं तो थोड़ी थोड़ी बाद उनके स्नैकिंग चलती रहती, कुछ ना कुछ उनको खाना होता है, तो बर्तनों का सिंक अल्लाह ऐसे भर जाता है। मैं तो कहती हूँ यहाँ पे बर्तनों में इतनी बरकत है ना, इतनी बरकत है कि थोड़ी थोड़ी देर बाद सिंक हमारा भरा होता है। तो खैर मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद नहीं धोती, जब एक ही दफ़ा इकट्ठे हो जाते हैं तो तब धोती हूँ। साथ मुझे आदत है कि जब भी बाहर जाएँ तो अच्छे से सिंक साफ़ हो, किचन अच्छे से साफ़ हो, क्लीन अप किया हो, वैक्यूम शैक्यूम घर में की हो, हर चीज़ अपनी अपनी ठिकाने पे हो। तो आप लोग जब बाहर से आते हैं ना, तो एक तो आपको आप पहले ही थकी होती हैं, खासकर अगर आप बच्चों के साथ बाहर जाएं तो बच्चे आपको थका देते हैं कसम से। तो खैर बच्चियां मेरी बड़ी हैं, लेकिन फिर भी उनका बच्चों वाला ही हिसाब है, छोटे बच्चों वाला ही। तो मेरा दिल होता है कि लिविंग रूम भी साफ हो, जगह जगह अपनी अपनी चीज़ें पड़ी हूँ, जब आप वापस आएँ तो आपको देख के ज़हनी सुकून भी मिलता है और खुशी भी होती है कि आप तो पहले ही टायर्ड थे कि आते ये वाले काम बर्तन शर्तन दे के। और मुझे खैर बहुत कौफत होती है और ज़हनी टेंशन होनी शुरू हो जाती है। तो मेरा यही होता है कि मैं जाने से पहले अच्छी तरह से सारे बर्तन शर्तन और घर को साफ करके जाऊं, ताकि मुझे आके ये सारे काम ना करने पड़े। तो खैर इसके बाद हम लोग आगे थे बाहर, मैं भी खुश थी और बच्चे भी एक्साइटेड थे कि हम किंग प्लाज़ा जा रहे हैं। किंग प्लाज़ा भी मेरे बच्चों की बहुत फेवरेट जगह है, यहाँ पर हम शॉपिंग करने कम और क्या कहती हैं पिकनिक मनाने ज़्यादातर जाते हैं। पिकनिक क्या, बस ऐसे ही हम विंडो शॉपिंग करते हैं, कुछ खाते पीते हैं, बच्चों के साथ इंजॉय करते हैं। तो सब बहुत एक्साइटेड थे। आई थिंक हम काफ़ी देर के बाद किंग प्लाज़ा जा रहे थे, मुझे लगता है हम लोग रमज़ान के बाद एक दफ़ा किंग प्लाज़ा गए थे, इसके बाद आज जा रहे हैं। तो खैर सब खुश थे कि शॉपिंग तो हमने थोड़ी बहुत करनी थी, वो मैं आगे जाके आपको बताती हूँ कि हम क्या चीज़ लेने गए थे। लेकिन बहरहाल आप लोग भी मेरे साथ चलिए। आज भी मौसम गज़ब का था, यानी काफ़ी गर्मी थी, और देखिए कितना चमकदार खूबसूरत और ब्राइट सा दिन निकला हुआ है, कितना प्यारा लग रहा है। तो चले चलते हैं किंग प्लाज़ा मेरे साथ।
यहाँ पे सैटरडे संडे छुट्टी होती है, वैसे आज सैटरडे था लेकिन यहाँ पे सैटरडे वाले दिन भी अच्छा खासा रश लगा हुआ था। लोग इंजॉय करने, आउटिंग करने, ख़रीदारी करने आए हुए थे। किंग प्लाजा प्लाजे में बहुत ज़्यादा जो है ना वो स्टोर हैं, बहुत अच्छी अच्छी वैरायटी मिल जाती है, बहुत एक्सपेंसिव से लेके चीप तक चीज़ें भी आपको मिल जाती हैं। बंदा सारा दिन फिरता रहेगा तो आप थक जाएंगे, लेकिन किंग प्लाजे के स्टोर हैं वो ख़त्म नहीं होंगे, कवर ही नहीं होते। हम लोग जाते हैं, मतलब जब भी जाते हैं तो हम 3-4 स्टोर देखने के बाद थक जाती हैं, तो इसके बाद कहते हैं घर चलती हैं। बहरहाल यहाँ पे एवरीथिंग आपको मिल जाता है, रोज़मर्रा की चीज़ें, ग्रोसरी, जूते, कपड़े, बैग्स, इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें और इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव और इतनी ज़्यादा सस्ती, जितनी इंसान के पास बजट होता है उस हिसाब से इसमें किंग प्लाजा में आपको हर तरह के स्टोर मिल जाएंगे कि आपके पास से जितना बजट है उसके हिसाब से आप लोग यहाँ पे ख़रीदारी कर सकते हैं। तो खैर, हम लोग सबसे पहले बैग देखने के लिए आ गए, सबसे पहले हम लोग आ गए यहाँ पे गैस पे, माइकल कोर्स भी हमने देख लिया था और उसके बाद हम लोग कहते हैं चलो बैग देखते हैं। यहाँ पे बहुत प्यारे बैग थे, बहुत एक्सपेंसिव थे, हमें जो पसंद आ रहा था वो बहुत ज़्यादा महंगे आ रहे थे, लेकिन जो हमें नहीं पसंद थे वो थोड़े सस्ते थे। तो फिर हमने यहाँ पे बहरहाल विंडो शॉपिंग की और उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल आए। के बाद हमारा इरादा था कि सबसे पहले मैसी चलते हैं, मैसी के ऊपर ही मेरे हस्बैंड को ज़्यादा चीज़ें पसंद आती हैं, उनका फेवरेट स्टोर आप समझ लें वही है, मैसी पे ही ज़्यादा उनको शर्टें, अपनी जीन्स वगैरह, सारा पेंटें, हर चीज़ उनको वहीं से ही लेनी होती है। तो हमने कहा मैसी चलते हैं, लेकिन माज साहब कहाँ मानने वाले थे, माज ने तो आते ही शोर मचाना शुरू कर दिया था कि सबसे पहले मुझे झूलों के ऊपर लेके जाएं, मैं नहीं किसी स्टोर के अंदर जाऊँगा, मुझे सबसे पहले ड्रिंक दिलाएं। तो खैर मेरे हस्बैंड ने इसको ड्रिंक तो खैर अभी नहीं दिलाई थी, बाद में दिलाएंगे, लेकिन सबसे पहले उनको झूलों के ऊपर लेके, क्योंकि बहुत कर रहा था, रो भी रहा था कि इसने हमें कोई शॉपिंग नहीं करने देनी, इसने हमें कोई चीज़ नहीं देखने देनी, तो सबसे पहले इसको ले जाते हैं झूलों के ऊपर। तो लीजिए जी, माँ साहब जो है वो झूलों के ऊपर आ गए हैं और खूब इंजॉय करने लगे हैं। आप भी मेरे साथ इंजॉय करें, कैसे बच्चे झूले लेते हैं। इन झूलों के अंदर क्वार्टर्स डलती हैं ना, तो यहाँ पे साथ ही मशीन लगी हुई थी क्वार्टर निकालने वाली, तो मेरे हस्बैंड डॉलर डाल रहे थे और उसमें से क्वार्टर निकाल रहे थे। देखिए कितना अच्छा इंतज़ाम उन्होंने पास ही किया हुआ है कि आप लोग बहाना ना करें बच्चों से कि हमारे पास क्वार्टर नहीं है, हम कैसे आप लोगों को झूले दिलाएँ। तो साथ ही मशीन लगी हुई थी जिसमें से क्वार्टर निकाल के कॉइन्स जो निकालते हैं वो इसने झूलों के अंदर डलते थे, साथ ही निकालते जाएँ और साथ ही इसी के अंदर डालते जाएँ, तो बच्चों के साथ कोई बहाना नहीं चलने वाला। तो खैर बच्चों ने बहुत इंजॉय किया, माज ने बहुत इंजॉय किया, देखिए जरा माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है और खूब मजे ले रहा है।
ओमांस को और उर्वा को झूले दिलाने के बाद हम लोग आगे मेसी के ऊपर, तो मेसी के ऊपर सबसे पहले हमने बैग देखने थे, यानी कि हैंड बैग, पर्स। तो हमें बहुत सारे पर्स पसंद आ रहे थे, बहुत अच्छे अच्छे थे, इनकी पास वैरायटी थी और काफ़ी एक्सपेंसिव थी। किसी के ऊपर सेल लगी हुई थी, किसी के ऊपर नहीं लगी हुई थी। उर्वा भी अपनी पसंद के बैग देख रही थी। उर्वा को बड़ा शौक है आजकल बैग खरीदने का, तो मैं उनको अक्सर बेशतर बैग लेके देती रहती हूँ, क्योंकि बच्चियों को ऐसी चीज़ें ना अच्छी लगती हैं, उनको कैरी करना भी अच्छा लगता है और उनके अच्छा भी लगता है कि वो रोज़मर्रा ज़िंदगी में आगे कैसे उन्होंने चीज़ों को इस्तेमाल करना है। तो खैर मैंने भी इनको लिए लेके देती रहती हूँ अक्सर बेशतर। तो मुझे दिखा रही थी बड़े मज़े से, मामा ये वाला कितना प्यारा और ये वाला कितना प्यारा है। इसके बाद बरहल जी हमें दो बैग पसंद आ गए, तो मेरे हस्बैंड ने ही खैर पसंद किए थे, तो मुझे भी उनका कलर और उनकी जो क्या कहती हैं खैर उनकी क्वालिटी और उनकी जो कहते हैं ब्रांड, वो भी मुझे अच्छी लगी थी, तो मैंने कहा ले लें। तो ये वाले दो बैग हमने फिर लिए। आई थिंक $103 का एक बैग था। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो हैं वो हंसा रहे हैं मुझे कि एक ही मेरे लेना, एक नहीं लेना, एक मैं अपने लिए ले रही थी और एक अपनी फ्रेंड के लिए ले रही थी, जो कि हमने संडे वाले दिन उनके घर जाना था। तो खैर वो लाइन पे लगे हुए थे और बैग ले रहे थे, तो इसका फिर हमने बिल करवाया। इसके बाद मेरे हस्बैंड तो अपनी चीज़ें देखने में मसरूफ़ हो गए, शर्टें पैंटें वगैरह। हम लोग आगे ऊपर बच्चों वाले फ्लोर के ऊपर, यहाँ पे मास ने अपने कुछ टॉयज देखने थे और मैंने मास की कुछ शर्टें वगैरह बाय करनी थी। तो इसके बाद हमने मेसी से लेनी थी वो ली, और उसके बाद हम लोग आगे बाहर। मेसी की जो चीज़ें हैं वो आपको मैं घर जाके शॉपिंग में दिखाऊंगी कि क्या क्या हमने मेसी से लिया था। तो खैर बच्चे बाहर आ गए, और ये वाला कुकी स्टोर है ना मेरे बच्चों का फेवरेट है, जब भी आए यहाँ से कुकी ना खाएं ये तो हो ही नहीं सकता। तो बाहर आते ही फिर इन्होंने कुकीज़ लिए और खाने बैठ गए। यहाँ के कुकीज़ बहुत मज़े के होते हैं, बहुत टेस्टी होते हैं। और उसके बाद है जी रिलैक्सेशन का टाइम, और किंग प्लाजा आए और इन चेयरों पे ना बैठें ये हो ही नहीं सकता। ये मेरे हस्बैंड की पसंदीदा चेयरें हैं, यहाँ पर रिलैक्स होने के लिए बैठते हैं, डॉलर डालते जाते हैं और प्रेस करवाते जाते हैं अपने आप को। मैं हंस रही थी, अपने पार्टनर भी बहुत अच्छा चुना है, तो हंस हंस के हम लोग पागल हो रहे थे कि वो भी साथ बैठी हुई थी काली। तो हम लोगों ने कहा चलो इन्जॉय करती है। खैर मैं भी बैठी थी, मैंने अपनी वीडियो ने क्लिप्स शूट की, बच्चे भी बारी बारी सारे अपनी अपनी चेयरों के ऊपर बैठे हुए थे। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, ये देखिए मास साहब भी बैठे हुए हैं, तो बड़े मज़े से डाला डाल के, तो कहता है मैं भी अपने आप को प्रेस करवाऊँगा। हम लोग हंस रहे थे, बल्कि साथ वो जो बैठी हुई थी काली वो भी हंस रही थी कि तुम थक गए हो मास। तो नहीं जी मैंने भी इसके ऊपर ही बैठना है। तो खैर इसके पापा ने इसके अंदर डाले डॉलर और बाद में बैठे रहे काफ़ी देर, इन्होंने इन्जॉय किया इन चेयरों के ऊपर, काफ़ी रिलैक्स हुए। हिरा ईमान भी पापा की देखा देखी हम लोग भी बैठेंगे रिलैक्स करेंगे। तो खैर इसके बाद हम लोग चले गए सेकंड फ्लोर के ऊपर, 5 ब्लॉक के ऊपर। तो यहाँ पे मेरे फ़ोन की बैटरी डेड हो गई थी, तो मैंने क्लिप्स ही नहीं शूट किए। ऊपर चले गए थे बच्चे और हमने वहाँ से कुछ चीज़ें खरीदी। शॉपिंग करने के बाद हम लोग आ गए यहाँ पे, ये हमारा फेवरेट 3 रेस्टोरेंट है। जब से भी हम लोग अमेरिका आए हैं ना, इसी रेस्टोरेंट के ऊपर आते हैं और यहीं से हम लोग पिज़्ज़ा खाते हैं। यहाँ का पिज़्ज़ा बहुत मज़े का होता है, बहुत टेस्टी होता है। तो बच्चों को भी भूख लगी हुई थी, तो मैंने कहा चलो डिनर कर लेते हैं, पिज़्ज़ा खा लेते हैं, इसके बाद बाकी जगह फिरेंगे। तो खैर डिनर का टाइम तो खैर नहीं हुआ था, आई थिंक 6 या 7 का टाइम था, लेकिन फिर भी बच्चों को होता है कि बाहर आए हैं तो पहले कुछ खा लें। हालांकि पापा ने इनको ड्रिंक दिला दिए थे, लेकिन इसके बाद फिर उन्होंने कहा नहीं नहीं पहले पिज़्ज़ा खाते हैं। तो मैंने कहा चलो खा लेते हैं पहले पिज़्ज़ा, पहले पेट पूजा फिर काम दूसरा, काम दूजा। यहाँ पे हमारा शहजादा यानी कि माज है ना, वो बिगड़ा हुआ था कि उसको हमने कोई टॉय नहीं अभी तक बाय करके दिया था, क्योंकि मेरे पास घर में माज के पास बल्कि इतने ज़्यादा टॉयज़ की वैरायटी है ना कि मैं कहती थी आज आपको कोई टॉय बाय नहीं करके देना, आप जस्ट आप खाने पीने वाली चीज़ें बाय करके देनी है। जो हम लोग इनके लिए शॉपिंग करते हैं ना, कपड़े जूते वगैरह, वो तो किसी खाते में आते ही नहीं है। जो वो खुद बाय करते हैं टॉयज़ वगैरह, वो उनके लिए होता है कि आज वाकई उन्होंने हमें कुछ दिला के दिया है। तो खैर इसके मैंने समझाने के बाद, मेरे हस्बैंड ने समझाने के बाद उसने फिर पिज़्ज़ा ले लिया और फिर शौक से खाने लगा। उसको पता था कि अब इसके बाद कोई चारा नहीं है, क्योंकि मामा पापा यही कह रहे हैं कि आज आपको कोई टॉय नहीं लेके देना, आज सिर्फ आप खाने पीने वाली चीज़ें के ऊपर ही इंजॉय करो।
अच्छा सा डिनर एंजॉय करने के बाद हम लोग आ गए हैं बेस्ट बाय के ऊपर। बेस्ट बाय भी बच्चों का फेवरेट तीन स्टोर है। इसके ऊपर हमने बाय कुछ भी नहीं करना था, बस न्यू न्यू टेक्नोलॉजी बच्चों ने देखनी होती है कि कौन सी नई आईपैडें आई हैं, कौन से नए फ़ोन आए हैं और कौन कौन सी नई टेक्नोलॉजी आई है। और बच्चे आईपैडों और फ़ोनों के ऊपर आके थोड़ी देर के लिए यहाँ पर भी गेमें खेलते हैं और काम ही किया है भाई हमें। तो इसके बाद भी हम लोग आ गए हैं बॉब स्टोर के ऊपर। ये फर्नीचर का बहुत ही फेमस सा स्टोर है। हम लोगों ने तकरीबन अपने घर का फर्नीचर जो है ना वो यहीं से बाय किया था। तो खैर आज भी हम लोग यहाँ पे मास का बंक बेड देखने के लिए आए थे, तो मेरे हस्बैंड बैठ बैठ के इसके ऊपर चेक कर रहे थे कि कौन सा सोफ़ा अच्छा है और कौन सा नहीं। तो ये वाला सोफ़ा भी इन लोगों को बहुत पसंद आ रहा था। तो वही वाली बात है ना कि इस सोफ़े के लिए लिविंग रूम का बड़ा होना भी ज़रूरी है। हम लोग तो रहते हैं अपार्टमेंट में, तो अपार्टमेंट का लिविंग रूम है वो इस लिहाज से बहुत छोटा है। तो खैर इसके बाद बच्चों ने यहाँ पे आइसक्रीम भी खाई और हीरा ने मुझे कॉफ़ी भी बना के दी, कुकीज़ भी इन लोगों ने खाई। ये सारे बॉब वालों ने अपनी चीज़ें फ्री रखी होती हैं कि जो कस्टमर आएँ वहाँ से बैठ के इंजॉय करें। तो खैर इसके बाद हम लोग आ गए थे घर। घर आ जाए मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या चीज़ें हमने बाय की। बहुत ज़्यादा चीज़ें तो हमने बाय नहीं की थी, बस बच्चों ने आउटिंग ही की थी, खाया पिया था और इन्जॉय किया था। तो खैर बच्चों के लिए मैंने टॉयज़ खरीदे थे। इसके बाद हम लोग चले गए थे टॉयज़ के ऊपर, क्योंकि माज ने टॉयज़ के बगैर तो घर में आना ही नहीं था। तो इसने अपने लिए गन ली थी और उसके अलावा मैंने माज के लंच बॉक्स लिया, उर्वा का लंच बॉक्स लिया और माज का भी मैंने स्कूल का बैग ले लिया। ये मुझे पसंद आ रहे थे तो मैंने कहा चलो ये ले लेती हैं, ये फ़िलहाल ये वाला काम तो ख़त्म करते हैं। ईमान हीरा भी लेंगे और स्कूल सप्लाईज़ अभी लेने वाली है। इसके अलावा मैंने मास की थोड़ी सी शर्टें ली, वो अच्छी थी, सेल के पे थी और मुझे पसंद भी आ रही थी, तो मैंने कहा चलो ले लेती हूँ। तो इसके अलावा मैंने वो वाली चीज़ ली जिसके लिए हम लोग किंग प्लाजा आज गए थे, वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये लीजिए जी, आज हमने लिया था ये वाला हैंडबैग, ये बहुत ही प्यारा था, बहुत खूबसूरत था और गेस का था। ये हम लोगों ने लिया था अपनी फ्रेंड के लिए, जो कल हम संडे वाले दिन उनके घर जा रहे थे, तो मैंने कहा ये वाला बैग उनके लिए लेती हूँ। आई थिंक ये $93 का था, तो इसके ऊपर कोई सेल नहीं थी। ये वैसे हमें टैक्स डाल के तो 98 का मिल गया था, 100 के पास पास, तो अच्छा मिल गया था। इसकी क्वालिटी भी अच्छी थी और ये ब्रांड भी बहुत ही अच्छी थी, तो हमने ये वाला ले लिया। तो यहीं पे मैं करती हूँ अपने व्लॉग का एंड और आपसे लेती हूँ इजाज़त। अच्छा खाएं, हेल्दी खाएं, हमेशा अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।